अब एक बड़ी बात बताने जा रहा हूँ जी मैं आपको, अभी का जो उपयुक्त समय है अब आगे आएगा जी फ्लावरिंग टाइम आएगी ना जी। अभी आप बड़े परेशान हो गए, सेब लगेंगे नहीं लगेंगे, कैसा होगा क्या होगा। सबसे पहले तो अगर पॉलिनेशन है वो लगाए, अगर पॉलिनेशन की कमी है आप क्या करें, जो गोल्डन रेड गोल्डन वगैरह ग्रेनी स्मिथ के आपके पौधे है ना जी, उसको बीमे समेत काट दो एक बीमा और उसकी ग्राफ्टिंग कर दो रॉयल में पूरा बीमा। बीमे से क्या हो जाएगा, कुछ फूल आपको इस साल आ जाए और मधुमक्खियों के बक्से अपने बगीचों में लगा दे। उसके बाद आती जी ट्रीटमेंट की बात, आप न्यूट्रिशन में क्या डाल सकते हैं जिससे आपके सेब लगने में हेल्प मिलती है। सबसे पहले तो जी आपको समझना होगा, जैसे ही टाइट क्लस्टर आएगा और कहीं कहीं आपको पिंक बट दिखेगा, क्या दिखेगा पिंक बट कहीं कहीं, तो एक स्प्रे आती जी 1261 नाइट्रेट फॉस्फरस आती है, उसको आप स्प्रे करेंगे। उससे क्या होगा, होता क्या जी, प्लम और सेब में मैं डिफरेंस बताता हूं। प्लम में क्यों लगते हैं ज्यादा प्लम, क्योंकि प्लम में पहले क्या था जी, फूल आता ना, फिर आती है पत्ती, जो एनर्जी जाती है वो काय में जाती है फूल में, इसलिए वो स्वस्थ होता है सेटिंग होती है। सेब में क्या होता है, पहले आती है पत्तियां, तो जो एनर्जी होती है ना जी वो जाती है पहले पत्तियों में, तो जिस वजह से आपकी सेटिंग में जो फूल आता है ना जी उसमें वीकनेस आती है, जो वीकनेस होती है उसको कम करना और ग्रोथ को कंट्रोल करना है। जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस क्या करेगा, जो आपके पत्ते हैं उसको 48 घंटों के लिए डाउन कर देगा और नाइट्रोजन पीछे से चेक करके जो आपके फूल की डंडी है उसका साइज बड़ा करेगा, फूल का साइज बड़ा करेगा। और ये लगभग 1 किलो की स्प्रे आपको 200 लीटर पानी में मिस्ट की तरह करनी है, भिगोना नहीं है पूरा पौधा, 3-4 ड्रम की जगह सिर्फ आपने एक ड्रम में, वो लगभग 20-30 रुपए आपकी कॉस्टिंग पड़ गई एक हिसाब से, सबसे सस्ता। उसके बाद आगे आता जी आपका फूल खिलना, आपको एक संरचना समझनी पड़ेगी जी फूल की, फूल ऐसे खिला ना जी, सबसे पहले पेटल पंखुड़िया, फिर अंदर जो पाइप होती है ना जी बीच में उसको बोला जाता है स्टिग्मा लाइन, ठीक है जी स्टिग्मा, और बीच में जो बीज बनता है उसको क्या बोला जाता है ओवरी, ठीक है जी, और जो ऊपर ऐसे होते हैं ना जिसके ऊपर केसर होता है उसको बोला जाता है एंथर, क्या बोला जाता है एंथर। होता क्या है जी, एक फूल में दोनों तरह की चीज होती है, मेल और फीमेल, मेल पार्ट फीमेल पार्ट पे गिरेगा फर्टिगेशन होगी, होना तो ऐसा चाहिए था, मगर जो हमारा सेब है ना जी रेड डिलीशियस, इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं है, इसको क्या कौन सा पॉलिनेशन चाहिए जी, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस कैसे करेगा, ये गोल्डन रेड गोल्डन ग्रेनी स्मिथ पिंक लेडी हनी क्रिप फ्यूजी इन चीजों से करेगा ना जी पॉलिनेशन, खट्टी ब्राइट मधुमक्खी तितलियां किसी की माध्यम से वो वहां पर जब आएगा गिरेगा तो फर्टिगेशन होगी और बीज बनेगा। और पौधे का काम क्या होता जी, उसका काम सेब लगाना नहीं होता, उसका काम होता है बीज बनाना या आपका साइज बड़ा बनाना, वो काम नहीं होता पौधे का, वो तो आपने मैनेज करनी होती है क्रॉप मैनेजमेंट, फ्रूट थिनिंग से करो, फ्लावर थिनिंग से करो, बड प्रूनिंग से करो, जिस मर्जी तरीके से करो। सीड अगर इतना बड़ा सेब होगा ना जी एक और एक होगा छोटा, काट के देखना बीज का साइज क्या होगा, बराबर बराबर कहीं ऐसा तो नहीं इतना बड़ा बीज होता है, क्यों, क्योंकि पौधे का जो अपना काम है सीड डेवलपमेंट उसका पूर्ण हो गया है, पूरा हो गया है। अच्छा फिर वहां पर कुछ लोग स्प्रे भी करते हैं, आपको क्या करनी है उसके बाद, पहले क्या डालना जी आपने 12 नाइट्रेट फॉस्फोरस, मैं ये नहीं बोलूंगा किस कंपनी का, जिस मर्जी कंपनी का आपको मिले सोलोबल उसमें उसको आप ले ले और स्प्रे कर दे और भिगोना नहीं है धीरे धीरे। फिर आता जी आपको
जब आपके असली पिंक बर्ड बोलते हैं ना, पिंक बर्ड, वो कब आता है जी मेरे हिसाब से? जब आपके 5% से लेकर 10% के बीच बगीचों में फूल आ जाए। क्यों? क्योंकि जो हमारा पौधा जो बहुत बड़ा है उसमें बड़ी लंबी फ्लोरिंग चलती है। अगर आप शुरू में कर देंगे तो ऊपर तो टाइट क्लस्टर ही होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जी अगर आपने स्प्रे करनी है वहां पर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आपकी सेटिंग में हेल्प मिलती है। वो होता है जी बोरोन, वो होता है जी जिंक, वो होता है जी कैल्शियम, वो होता है जी मैग्नीशियम। जो ये चीजें हैं इसको आप स्प्रे कर सकते हैं और मिस्ट की तरह भिगोना नहीं है, फूल कैसे करनी है हल्की हल्की धुआं जैसा देके, ठीक है जी? ऐसे ही करेंगे कि बिल्कुल भिगोएंगे, धुआं सा देना आपने, क्योंकि उससे पैसा बचता है, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा आपका पैसा, क्योंकि उसका काम उतना नीचे नहीं होता। जब आप हल्की हल्की स्प्रे करेंगे उससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो फ्लक्चुएशन आती है क्लाइमेट में उसको बोरोन स्टेबल करता है। जो स्टिग्मा लाइन होती है वो थोड़ी ऐसी तिरछी होती है, बोरोन उसको सीधा करता है। जिंक क्या करता है? जो आपका पोलन ग्रेन्स आएगा ना जी, उसकी लाइफ बड़ी शॉर्ट होती है, लगभग 3-4 सेकंड की। जब आप जिंक की स्प्रे करते हैं वो उसकी उसको बढ़ा देता है लाइफ को, वो लगभग 12-14 सेकंड तक ले जाता है, जिससे आपके चांस ज्यादा हो जाते हैं सेटिंग के। इसके साथ साथ एक चीज और आती है जी फ्रूट सेटिंग के लिए स्टेज पे, वो आती है पीजीआर, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है जी? तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी, हर तरह के ग्रोथ लेटर आपने देखा होगा, इथोफोन जिसको आप इथरल के नाम से जानते हैं, ठीक है जी, प्लेनोफिक्स, NAA 6BA सुना होगा आपने, जिब्रेलिक एसिड सुना होगा, GA1 GA2 GA3 GA4 GA5 7 फलाना ढिमकाना, सारे ये हार्मोन्स है जी। तो अभी जो प्रचलन में जो इस्तेमाल किया जाता है जी, वो प्रोमोलिन और परलान किया जाता है, मगर जो आपकी मार्केट में अभी उपलब्ध है आपके पास 99% ही डुप्लीकेट है, इसलिए आप इन चीज़ों से बचे। अगर अच्छा जेन्युइन सोर्स है तभी आप इस पे जाए और ऐसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये वी आर प्लेइंग विद PGR, अगर कभी हारमोनिकली डिस्टर्बेंस हुई ना तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी आने वाले टाइम में। तो अगर आपको ये डाउट है अपने सोर्स पे, तो आप जो जिंक बोरोन मैग्नीशियम कैल्शियम का है ना जी, ये चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो PGR की, देखो जी बोरोन आप डालेंगे जी 200 ग्राम 200 लीटर पानी में, 1 लीटर में 1 ग्राम, जिंक डालेंगे आप 100 ग्राम, मैग्नीशियम डालेंगे 100 ग्राम, कैल्शियम आप चिलेटेड इस्तेमाल कर सकते हैं 50 से 60 ग्राम, 100 तक भी डाल सकते हैं चिलेटेड फॉर्म में, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये रहेगी जी इसमें।